दोस्तों जब कार का वाइपर फ्लूइड खत्म हो जाता है तो कई लोग क्या करते हैं कि कार में पानी मिला के और साथ में ही आपका ये शैम्पू मिक्स कर देते हैं, लेकिन वहीं पे कई लोग होते हैं प्रॉपर वॉश कंसंट्रेट खरीदते हैं। तो भाई जो लोग वॉश कंसंट्रेट खरीदते हैं वो लोग बेवकूफ तो है नहीं, कुछ तो रीजन है इसके पीछे वॉश कंसंट्रेट खरीद के वाइपर फ्लूइड में मिक्स करने के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए वाइपर फ्लूइड में, आपको मतलब ये वाला वॉश कंसंट्रेट या कोई सा भी वॉश कंसंट्रेट लेना चाहिए और वो पानी में मिक्स करके या फिर नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करके आपको वो यूज करना चाहिए। इसका मैं आपको ना एग्जांपल एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ग्लास में मिक्स करके देखेंगे और फिर देखेंगे क्या अंतर आ जाता है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ क्योंकि वीडियो छोटी होगी और बहुत काम की ये वीडियो आपके होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे टेस्टिंग करने के लिए, मेरे पास एक तो ये कंसंट्रेट है, ठीक है, आप देख सक रहे होंगे मेरे पास ये कंसंट्रेट है और साथ में ही मेरे पास एक अच्छी क्वालिटी वाला शैम्पू भी है। ठीक है, शैम्पू भी कोई लो क्वालिटी का नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, दो ग्लास आपने ले रखे हैं, दोनों में मैं पानी डाल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी आप देख सकते हैं मैं दोनों ग्लासेस में डाल देता हूँ, जिससे कि भैया हम चेक कर पाएं कि दोनों चीज मिक्स करने पर क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों ग्लासेस में पानी डाल दिया। अब एक ग्लास में थोड़ा सा शैम्पू डालूंगा, दूसरे ग्लास में कंसंट्रेट डालूंगा। तो पहले ग्लास में हम थोड़ा सा शैम्पू डाल देते हैं। ठीक है, अब चलो इसमें डाला हमने थोड़ा सा शैम्पू। ठीक है, अब ये शैम्पू हमने डाल दिया, ये अपने आप तो शायद मिक्स नहीं होगा, इसको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा तब जाके ये मिक्स होगा। तो शैम्पू आप देख सकते हैं शैम्पू डाल दिया, अब ये है वॉश कंसंट्रेट। अब थोड़ा सा इसमें देखिए, ये है वॉश कंसंट्रेट, मैं थोड़ा सा वॉश कंसंट्रेट इसमें डाल देता हूँ। चलिए ये हो गया, इसमें गया वॉश कंसंट्रेट। अब आप दोनों में फर्क देखिएगा, फिलहाल वॉश कंसंट्रेट आप देख सकते हैं कि एकदम से जाके पूरी पानी में मिल गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा समय देंगे, ठीक है, 5 से 7 मिनट देंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि भैया कितना फायदा हमको मिल रहा है और कैसा रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, शैम्पू आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, अपने आप नहीं मिल रहा है। तो इस शैम्पू को मैं एक बार ना अपने फिंगर से स्टिर कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाए इस शैम्पू को मिक्स होने के लिए। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही है कि जो शैम्पू हम यूज़ करते हैं वो अपने आप मिक्स नहीं होगा। ठीक है, शैम्पू अपने आप मिक्स नहीं होगा, वहीं पे वॉश कंसंट्रेट होगा आपका, एकदम से अच्छे से मिक्स हो जाता है और कोई भी इसमें पिगमेंटेशन वगैरह नहीं होती है। तो फिलहाल 5 से 7 मिनट इसको हम छोड़ देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हमको रिजल्ट निकल के आता है दोस्तों। तो दोस्तों दोनों प्रोडक्ट अब कम से कम 5 से 7 मिनट पानी में रह चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस इनमें देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शैम्पू उठा लेता हूँ। शैम्पू अगर आप देख पा रहे होंगे तो नीचे छोटे छोटे ना पिगमेंट रहते हैं शैम्पू के। ठीक है, मैं क्लोजली दिखाता हूँ, व्हाइट कलर का शैम्पू है इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा। देखिए नीचे देखिए छोटे छोटे पिगमेंट है और ग्लास भी थोड़ा उस टाइप का है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है। यहाँ से अगर आप देखो तो आपको दिखेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, गंदगी तो है ही और नीचे थोड़े बहुत जो पिगमेंट है ना, इसको मैं हिलाऊंगा तो आपको पता चलेगा। ये देखिए आप, दिख रहा है ये पिगमेंट्स वगैरह हैं। तो ये क्या करते हैं भैया, आपके जो नोजल है ना, आगे जो नोजल है, नोजल में जाके फंसते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर आप वॉश कंसंट्रेट आप यूज करते हैं, देखिए एकदम क्लियर है, इस वॉश कंसंट्रेट में कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरी तरह मिक्स हो गया, क्रिस्टल क्लियर आप ग्लास के भी आर पार देख पा रहे हैं। तो ये वॉश कंसंट्रेट एकदम अच्छे से मिल जाता है। चलो मैं एक बार ना शैम्पू और अच्छे से दिखाता हूँ आपको कि पिगमेंटेशन बन रहा है कि नहीं, आप देखो। ठीक है, आप देखो, ये देखो नीचे ये दिख रहा है, ये पिगमेंट्स है, ये आपके नोजल को ब्लॉक कर देंगे। तो ये है आपका मतलब नोजल ब्लॉक कर देंगे और नोजल बेकार हो जाएगा, उसके बाद आपको शैम्पू में से जो पैसा बचाया हुआ है वो पैसा आपको नोजल सही करवाने के लिए खर्च करना पड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे नोजल जो होता है स्प्रे करता है पानी का, देखो ये वाला, तो ये जो नोजल है यहाँ जो पानी का स्प्रे करता है, ये आपका भैया ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद आपको उसको सही करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि शैम्पू और जो वॉश कंसंट्रेट है आपका वाइपर फ्लूइड कंसंट्रेट है, उन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, कोई चीज अगर किसी पर्पज से बनी है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, तभी बनी है। तो आप अगर अपना पैसा बचाने का सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि पैसा बच जाए मेरा शैम्पू में ही काम हो जाए, तो आप ये कर सकते हैं, ये शैम्पू को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल भी पिगमेंटेशन ना रहे, उसके बाद छान के डाल दीजिए, पानी छान के फिर डालिए। ठीक है, और मोर ओवर क्या है, नॉर्मल वाटर कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, आरओ वाटर यूज किए, लेकिन अगर आप
ऐसा थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप 50 रुपए का वो वाला बॉटल आता है आपका जो डिस्टिल्ड वाटर, मैं तो डिस्टिल्ड वाटर यूज करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में इन सब चीजों को सही कराने के लिए पैसा खर्च करना पड़े। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर इस वीडियो के थ्रू पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कार रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ जो आपके कार को हेल्दी और मेंटेनेंस फ्री रखने में आपकी मदद करती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।